गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये आज हमारी फर्स्ट वीडियो होगी, सो इसीलिए ये वीडियो जो ये आर्टवर्क होगा बहुत ही इजी वे में होगा। आज हम बनाएंगे रियलिस्टिक आई स्केच इन वेरी इजी वे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको ना टूल्स के बारे में बता देती हूँ कि हमने कौन कौन सी पेंसिल्स यूज़ करनी है। सो ये है आर्ट लाइन की पेंसिल्स जो इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाए। तो फिर हम ये इसके अलग अलग नंबर्स में होंगी ये, एंड फिर हम यूज़ करेंगे ब्लेंडिंग के लिए मेकअप ब्रशेस। ये दो तरह के मेकअप ब्रशेस आपको मैं दिखा रही हूँ। तो ये हम छोटे छोटे सेक्शंस को ब्लेंड करने में यूज़ करेंगे इस ईयरबड को। सो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है चारकोल पाउडर। मैं आपको इससे अलग से वीडियो बनाकर जल्दी से जल्दी चैनल पर शेयर करूँगी कि कैसे हम चारकोल पाउडर बना सकते हैं खुद घर पे। तो अभी हम इसे इस ड्राइंग में भी यूज़ करेंगे। हम अभी हल्का हल्का उसे डार्क करेंगे कि हमें इजीली दिख जाए हमारी जो हमने लाइट पहले ड्राइंग की हुई है। देन इसके बाद में हम यूज़ करेंगे चारकोल पेंसिल। ये जो हमारा वर्क होने वाला है वो चारकोल प्लस ग्रेफाइट वाला वर्क होने वाला है। सो चारकोल सॉफ्ट पेंसिल यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ। और आपको बता दूँ कि ये तीन सेट होते हैं, उसमें होता है मीडियम, हार्ड एंड सॉफ्ट। बट ज़्यादातर हम हार्ड एंड मीडियम को साइड पर रख के ज़्यादातर हम सॉफ्ट पेंसिल का यूज़ करते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कि हम कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इजीली ब्लेंड होती है ये। सो यहाँ से अब मैं वीडियो थोड़ी फास्ट करने वाली हूँ, ध्यान से देखना। तो एक चीज़ गाइस ध्यान में रखना कि साथ ही साथ जैसे जैसे आप चारकोल पेंसिल यूज़ करते जाएंगे उसे साथ ही साथ ब्लेंड करते जाइए। और चारकोल पेंसिल जो है वो इजीली ब्लेंड होती है ब्रश से, बट जो ग्रेफाइट होती है वो ज़्यादातर कॉटन से होती है। और जो छोटे सेक्शंस के लिए हम ग्रेफाइट को ब्लेंड करने के लिए यूज़ करते हैं वो हम ईयरबड का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ मैकेनिकल इरेजर जो इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। अब बारी आ रही है मेरे फेवरेट पार्ट की,
मुझे चारकोल वर्क करना बहुत अच्छा लगता है। सो अब हम यूज़ करेंगे हमारा चारकोल पाउडर। ये अभी देखना आपकी कितनी इजीली ब्लेंड हो जाएगा। हमें ज़्यादा मतलब टूल्स यूज़ करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, हमें जस्ट ब्रश और पाउडर चाहिए। इजीली ब्लेंड होता जाएगा ये। एंड एट लास्ट, और इसे और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लुक देने के लिए मैं आइज़ में कुछ वेंस ऐड करूँगी। जैसे कि हमें कुछ मोटी वेंस चाहिए तो उसके लिए मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, और कुछ अगर पतली और छोटी वेंस चाहिए तो उसके लिए मैं 2B और HB पेंसिल का यूज़ करती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमें कैसे वेंस ड्रॉ करनी है। बिल्कुल सीधी लाइन नहीं बनानी है, थोड़ी zigzag बनानी है। इस
इससे हमारी आई में और रियलिस्टिक लुक आएगा। एंड एट लास्ट हम देख सकते हैं कि हमारे स्केच का फाइनल लुक कैसा आया है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप। I was born to the dirt I shall return when my eyes are closed in the shadows my enemies will think they won but I'm here to stay so guys ये था हमारा रियलिस्टिक आई का फुल ट्यूटोरियल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। I was born to the dirt I shall return when my